हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, पहले तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है, देखिए सिंपल सी बात है। सपोज दैट दो पॉइंट हैं आपके पास, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। एक कोई पॉइंट इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे निकालोगे आप, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, सेम एज इट इज वाई के साथ, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला। एक और फार्मूला इसी में, मिड पॉइंट फार्मूला। अभी सपोज दैट आपने यहाँ पर दो पॉइंट है एक्स वन वाई वन एंड एक और पॉइंट है एक्स टू वाई टू। अब अगर ये दोनों डिस्टेंस क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ये भी एम है और ये भी एम है, दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर लगता है मिड पॉइंट फार्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। सबसे पहले माइनस वन कोमा सेवन एंड फोर कोमा माइनस थ्री, और ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है टू रेशो थ्री में। सपोज दैट, तो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर टू फोर जा एट, थ्री वन जा थ्री, माइनस का अपॉन में आ जाएगा थ्री और टू फाइव। सेक्शन फार्मूला है आपके पास। फिर सेम इसकी मल्टीप्लाई इधर, टू थ्री जा सिक्स, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, और होल अपॉन में आ जाएगा थ्री और टू फाइव। ठीक है, एट में से थ्री गया तो कितना बचा, फाइव अपॉन फाइव। ट्वेंटी वन में से सिक्स गया तो कितना बचा, फिफ्टीन अपॉन फाइव। फाइव वन जा फाइव कट जाएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास वन कोमा थ्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर से, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन की बात हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, फोर माइनस वन एंड एक और पॉइंट दिया हुआ है टू कोमा माइनस थ्री। अब इसको क्या कर दीजिए, ट्राइसेक्ट कर दीजिए, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए सपोज दैट, और तीनों पार्ट को हमने क्या करा, सपोज दैट वन कंसिडर कर लिया। अब ये पार्ट हो गया ए एंड ये पार्ट हो गया बी। मान लिया आपको ए निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए बी को आप स्किप कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट है आपके पास और दूसरा पॉइंट है आपके पास ये, हमने ए ले लिया है। देखिए इस पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, वन। ए से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, वन एंड वन टू, तो आपके पास रेशो बन गया वन रेशो टू। तो अगर आपको निकालना होगा तो देखिए सिंपल सा वही फॉर्मेट, वन टू जा टू एंड टू फोर जा एट, और होल अपॉन में टू और वन कितना हो गया थ्री। सेम वन थ्री जा थ्री, टू वन जा टू अपॉन में थ्री, तो एट में से टू गया कितना बचा, सिक्स अपॉन थ्री, एंड ये आ गया माइनस का फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, थ्री टू जा सिक्स आप कट कर सकते हो, और यहाँ पर पॉइंट आ गया फाइव कोमा माइनस थ्री। एज इट इज़ आप बी को भी निकाल सकते हो, ये पॉइंट है आपके पास और इधर पॉइंट है माइनस टू कोमा माइनस थ्री। सपोज दैट आपको बी को फाइंड आउट करना है, तो देखिए इस पॉइंट से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, वन एंड वन टू, बी से इस पॉइंट तक की कितनी है वन, तो टू रेशो वन आ गया। आगे देखते हैं। देखो टू टू जा कितना बनेगा फोर, वन फोर जा कितना हो गया अगेन फोर, और होल अपॉन में कितना आएगा टू और वन थ्री। सेम टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स एंड वन वन जा वन माइनस का, और होल अपॉन में कितना आया थ्री। फोर में से फोर गया तो कितना जा जीरो, सिक्स एंड वन कितना हो गया माइनस का सेवन अपॉन थ्री।